हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टमी विद मम्मी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एक यूनिक सा रेसिपी, और ये आप किसी भी ओकेशन में बना सकते हो और सबकी वाह वाही ले सकते हो, और वो है चिली एग। हम चिली चिकन, चिली पनीर तो बनाते ही है, लेकिन अंडे से चिली कैसे बनाते हैं, सो मेरे साथ बनी रहिए और मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो, इसके लिए हम लोगों को चाहिए अंडा। चिली एग है तो अंडा ही चाहिए ही चाहिए। सो, मैंने यहाँ पे लिया है 3 अंडे, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। एक बाउल में मैंने सारे अंडों को फोड़ लिया है, थोड़ा सा नमक दिया है और थोड़ा सा पेपर। अभी सारे अंडों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम अंडों को स्टीम करेंगे, इसीलिए हम लोगों को चाहिए एक टिफ़िन बॉक्स। अंडे के हिसाब से आप टिफ़िन बॉक्स सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कम ले रही हूँ, 3 ही अंडे ले रही हूँ, तो इसीलिए मैंने छोटा टिफ़िन बॉक्स लिया है। अभी हम बॉक्स में थोड़ा रिफाइन ऑयल दे के चारों ओर अच्छी तरह से फैला के ऑयल को, अभी अंडे का जो हम लोगों ने मिक्सचर रेडी किया था वो हम दे देंगे। अभी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख देंगे और टिफ़िन बॉक्स को एक ऊपर में एक प्रेशर दे के बॉयल होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो अभी हम लोग कुछ वेजेस काट लेंगे, वो है कैप्सिकम, ऑनियन, ग्रीन चिली और थोड़ा सा गार्लिक हम लोगों ने चॉप करके लिया है। ये देखिए, हम लोगों का अंडा एकदम रेडी है। तो हम इसको अभी टिफ़िन बॉक्स के चारों ओर एक छुरी से इसको काट के बाहर निकाल लेंगे। सो, इसके लिए एक बैटर बनाना है। सो, इसके लिए मैदा, मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। सो, इसको थोड़ा पानी से एक पतला सा, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा थोड़ा पतला एक बैटर बनाना है, और इसमें थोड़ा सा नमक और कलर के लिए थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे के अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी बैटर में जो हम लोगों ने अंडे का पीसेस रेडी किए थे वो डिप कर देंगे, और एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, फ्राई करने के लिए रिफाइन ऑयल दे देंगे। रिफाइन ऑयल अब जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो जो पीसेस हम लोगों ने बैटर में डिप करके रखे थे अंडे का, वो हम फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर दे, ज़्यादा नहीं, हल्का गोल्डन ब्राउन हो तक हम फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप ऐसे भी फ्राई करके इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो, इतना टेस्टी हो जाता है ये। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। सो, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने सारे वेजीज को ले लिया है, और उसी बचे हुए तेल में जो गार्लिक हमने चॉप करके रखे थे वो तेल में छोड़ देंगे, और उसके बाद जो प्याज थोड़े बड़े बड़े करके काटे थे उसको भी छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से सारे सब्जियों को पकाएंगे। ग्रीन चिली भी दे देंगे, चिली आप अपने हिसाब से दीजिए। थोड़ा सा नमक दे देंगे ताकि सब्जी अच्छी तरह से पक जाए, और एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट दे देंगे और अच्छी तरह से सारे सब्जियों के साथ मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को स्लो करके हम सारे सॉसेस को मिला लेंगे। इसलिए हम लोगों ने लिया है 3 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अभी 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे एक बाउल में, और उसको पानी से हम लोग मिक्स कर लेंगे।
और एक चम्मच विनेगर। अभी जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो हम कढ़ाई में छोड़ देंगे। जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ही पानी डालिए। अभी हिसाब से नमक, क्योंकि सॉस में नमक होता ही है तो आप उस हिसाब से नमक डालिए, और थोड़ा सा चीनी। अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अंडे को जो फ्राई किया हुआ अंडे का पीसेस है उसको छोड़ देंगे। ये देखिए हम लोगों का चिली एक एकदम रेडी है। सॉसेस देने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर अच्छा लगी ये रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू।